आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज वसीम के साथ। यस, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं स्टेशन रोड नाले के नीचे। यहाँ पे हम कुछ ही दिनों पहले एक न्यूज किया था कि एक बूढ़ी औरत 20 सालों से फुटपाथ पर रहती है। उस न्यूज का फायदा हुआ है, न्यूज रंग लाई है। शकील साहब और हमने मिलकर वो न्यूज का बनाए थे। उस न्यूज की वजह से उस औरत को जो है बीजापुर रोड को जो है एक प्लॉट दिया गया है और आने वाले समय में वहाँ पे एक दो रूम का घर बनाकर भी देंगे। आइए हम शकील साहब से बात करते हैं। सर, ये बहुत ही खुशी की बात है कि पिछले दिनों में हमने कुछ यहाँ पर एक बूढ़ी औरत यहाँ पर रहती है बोल के एक वीडियो हमने आप और हमने मिलकर किया था। पुरसभा से हुच्चप्पा सर ने हमको दूसरे दिन कॉल किया और कहा कि बहुत ही अभी थोड़े ही दिन में उनको एक हक पत्र दिया जाएगा और आने वाले स्कीम में उनको एक घर बनाकर देंगे बोल के ऐसा उन्होंने हमसे वादा किया है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पुरसभा तमाम चीफ ऑफिसर का और खास करके हुच्चप्पा सर का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो हमने कोशिश की थी उसके ऊपर उन्होंने लब्बैक कहा। तो आइए हम बात करते हैं उसी औरत से, जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। लाख लाख शुक्र एहसान है आपको जगह मिल गया अपने को। अल्लाह ताला अच्छा रखे तुम्हारे को, अपने मुसलमानों को और चप्पा को अच्छा रखे आपको अल्लाह ताला। अपने बाल बच्चा के लिए अपने जगह दिए, अब लाख लाख शुक्र एहसान है। जैसा कि आपने देखा कि बूढ़ी औरत बहुत दिनों से परेशान थी, अभी उनको जो है प्लॉट देने के बाद बहुत खुश हैं। वो कुछ ही दिनों के बाद वहाँ पे घर बनाने के बाद वो वहीं चले जाएंगे। कैमरा पर्सन शकील के साथ वसीम, एबीपी न्यूज इंडी। ಈಗಾಗಲೇ ಬೇನೂರು ರಸ್ತೆ ಹಳ್ಳದ ಬಳಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಹುಸೇನ್ ಬಿ ಲಿಂಗ್ಸೂರ್ ಅವರು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಅವರು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳಾಗಿರೋದರಿಂದ ನಾವು ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಜಯಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 584/1 ಅವರಿಗೆ 20-30 ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಯೊಳಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಬರುವಂಥ ದಿವಸದೊಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ತಿಳಿದೆ. ನಾನು ಜಿ ವಾಲಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪುರಸಭೆ ಇಂಡಿಯಾ.